हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपका भाई आ गया है मुजफ्फरनगर ट्रांसपोर्ट कंपनी। और ये देखो दोस्तों, हमारी घोड़े का काम चल रहा है। मैं बताऊंगा अभी क्या काम चल रहा है। दोस्तों, पहले तो हम वहाँ से कल हमने पागवाड़ा पे ब्लॉग एंड किया था। दोस्तों, अभी आ गए हम मुजफ्फरनगर ट्रांसपोर्ट कंपनी में। और दोस्तों, आज ही पहुँच जाते हैं, मतलब हम जहाँ हमारी गाड़ी खाली होनी थी। पर हमारा ना दोस्तों चेचिस बैंड हो गया था, मतलब चेचिस क्रैक हो गया था, वो वेल्डिंग छोड़ गया था। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये चेचिस पूरा क्रैक हो रखा है यहाँ से। ये देखो पूरा, ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो पूरा पूरा छोड़ दिया है। और घोड़ा ना दोस्तों हमारा बिल्कुल वी शेप में आने वाला था, वी शेप में। तो ये देखो, अभी हमने इसके टायर खोल के फेंकने हैं दोनों। ये नट तो ढीले कर दिए हमने, बट टायर खोल के फेंक देंगे, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। ये कमानी के सारे पट्टे उतरेंगे इसके, और मिस्त्री साहब वहाँ बैठे हैं हमारे काम के लिए। दोस्तों सुबह सुबह आ गए वो, तो बस ये टायर फेंक देते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। भाई ने सारे टायर फेंक दिए उतार के, देखो। और ये कमानी का पट्टा उतरेगा, और देखो ये पूरा क्रैक। जैक देखो कहाँ लगाया, ठीक है, एक वो लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तगड़ा ही क्रैक हो रहा है, ये देखो भाई कितना क्रैक हो रहा है। तो काम कंप्लीट, तो आपके भाई की गाड़ी का काम हो गया। और एक गोलू जैक डाल रहा है गाड़ी के अंदर, ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब वर्टिकल वर्टिकल क्या वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हैं हमारे चाचा। ये देखो पूरा फोरमैन साहब, फोरमैन साहब यार, दिखा वर्टिकल वेल्डिंग कैसा हो। हाँ वर्टिकल वेल्डिंग कहाँ मारा वेल्डिंग, अरे वेल्डिंग मार वेल्डिंग तेरा मार तू फेंक दे, वेल्डिंग टूटा पे दो वेल्डिंग करा यो, देखियो क्या टूट रहा है, यो दिख रहा है तुझे टूटा हुआ, वर्टिकल वेल्डिंग मांग रहा वो, वर्टिकल तो मार दे तन्ने, ये जो टूट रहा है देखा नहीं तन्ने, ये देखिए दोस्तों। कंप्लीट टायर ट्वेट सब चढ़ा दिए हैं, दोस्तों जा रहे हैं ट्राली में, घोड़े में जोड़ेंगे। तो दोस्तों निकलते हैं फिर गाड़ी लेके। दोस्तों आपका भाई निकल गया है ट्रक लेके, अब जा रहे हैं ट्राली के पास, ट्राली जोड़ेंगे। दोस्तों बहुत काम किया दोस्तों आज दोपहर में, और इसकी ना दोस्तों पूरी पूरी चेजिस क्रैक हो रखा था। मतलब ये जो गाड़ी है दोस्तों टोटल 378,000 किलोमीटर चल गई है, मतलब 4,00,000 ही लगा लो। और भाई ये दोस्तों सेकेंड हैंड ले रखी है गाड़ी, है जो दोस्तों हमारे चेजिस इतना महंगा है ना, मिलने का नहीं पहली बात तो, अगर मिल भी गया तो फिर वही बात है कि बहुत लफड़े हैं उसके लिए, आरटीओ ऑफिस जाना, ये वो बहुत काम है। मतलब दोस्तों चेजिस का काम बहुत ज़्यादा रहता है। पूरी स्पीड मार दो दोस्तों स्कॉर्पियो लेके, अभी घुस जाता मैं देख रहा था कितनी स्पीड। ठीक है दोस्तों, वहीं मिलते हैं लगभग। लगा पहुंच गए भाई अपनी ट्राली के पास, और घोड़ा भी जोड़ दिया दोस्तों। और ये देखो
तामझाम कितना हो रखा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सारा काम ओके करने के बाद और फिर निकलेंगे दोस्तों यमुनानगर के लिए। काम करते करते बज गए दोस्तों दो और आपका भाई निकल गया दोस्तों गाड़ी ले गया। अभी दोस्तों लैपटॉप लगवाए हैं गाड़ी में, अभी टेम्परेचर ही पकड़ रही थी गाड़ी तो लैपटॉप लगवाते हैं, मिलते हैं दोस्तों। अरे मैं मैक्स लूंगा, अभी पैसे नहीं है, बाद में। दोस्तों हम मार गए हैं हाईवे से लेफ्ट, सीधा ये वाला हाईवे जा रहा है दोस्तों हरिद्वार और ये जा रहा है जमुनानगर। रामपुर तिराया है दोस्तों ये। दोस्तों ये है रोहाणा बाईपास, यहाँ से हमें 30-40 चलना है और उसके बाद हम सहारनपुर वाले हाईवे पे चढ़ जाएंगे जो जमुनानगर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे ही। दोस्तों आपको भाई आ गया रोहाना टोल टैक्स पे, और दोस्तों ये टोल टैक्स है 700 रुपए का टोल टैक्स है दोस्तों, ये देख लो। और इस टोल टैक्स पे दोस्तों फास्टैग काम नहीं करता, सिर्फ कैश मांगता है दोस्तों ये टोल टैक्स। और देखो कितनी गाड़ियां खजाम लगा दिया, चेक करो दोस्तों टोल टैक्स, 770 रुपए का टोल कटा आपके भाई की गाड़ी का। और भाई दोस्तों आपके भाई ने कटा लिया टोल टैक्स, और दोस्तों अब यहाँ से जमुनानगर होगा आपका 90 किलोमीटर, मान के 70-80 होगा दोस्तों, 70-80 किलोमीटर। दोस्तों आज पूरा दिन गाड़ी में काम करवाया हमने पसीना पसीने में, और देखो अभी तक हाथ नहीं धोए बस। और आज दोस्तों हम घुस जाएंगे, रात को घुसेंगे, पता नहीं कितने बजे घुसेंगे, कंपनी में घुस जाएंगे, और कल को आपको खर्चे का ब्लॉग मिल जाएगा, मतलब पूरा चक्कर मार के गाड़ी ने कितने पैसे बचाए दोस्तों, कितना मजा आने वाला है। और ये देखो रोड कैसी है, बिल्कुल टॉप टॉप। और दोस्तों इस रोड पे ना जो भी जितने भी टोल हैं, दो टोल हैं इस रोड पे, अभी मेरे एक टोल कटा है, आगे वाला टोल नहीं लगने का, उसी से निकल जाऊंगा मैं, उसी पर्ची से। बहुत महंगा टोल है, 770 रुपए का टोल है। और अभी चलते जा रहे हैं दोस्तों, बहुत गर्मी हो रही है, नहाएंगे आगे कहीं, एक सरदार जी का ढाबा है वहाँ रोक के नहाएंगे धोएंगे और फिर चलेंगे। हालात देख लो कैसे हो रहे हैं, देखो भाई अभी दोस्तों इतना काम कर रहे हैं ना, पहले टायर खोल ले, फिर टायर पलटी मारे, फिर कमानी में हाथ लगवाया, फिर वहाँ खड़े खड़े उनको देखते रहे, गर्मी इतनी भयंकर पूछो ही मत, अंदर से भपका मार रहा है दोस्तों, यहाँ से ना इतना भपका मार रहा है ना, मुंह पे लग रही है हवा, आग बिल्कुल। और चलते हैं फिर, ठीक है दोस्तों आगे ही मिलेंगे आपको, कहीं भी बढ़िया जगह मिलेंगे। और दोस्तों ये है देवन की सबसे बड़ी मस्जिद, ये देखो यूपी की शायद सबसे बड़ी मस्जिद है, और कितनी प्यारी है देखो दोस्तों, ताजमहल जैसा ही है। और ये पुल दोस्तों बहुत बड़ा है देवन का, दोस्तों बड़ा ये बहुत बड़ा पुल जा रहा है दोस्तों, ये 2-2.5 किलोमीटर का पुल है ये, और दोनों तरफ सिटी बसी हुई है ये देखो।
दोस्तों ये अभी नया नया बना है, ये हाईवे एकदम नया नया बना है। और दोस्तों शाम होने वाली है, देख लो बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। सवा ढोल में आ गए हैं और यहाँ से 220 किलोमीटर जाना है और उसके बाद अपना सफर खत्म हो जाएगा। दोस्तों एक बार उसको देखेंगे वो वेल्डिंग कैसी है। दोस्तों मतलब इतना खतरनाक चीज है ना वो, अभी टोल पार करके बताता हूँ क्या खतरनाक टोल पार कर। शाम हो गई दोस्तों, आपका भाई पहुंच गया हरियाणा। सबको प्यारी सी गुड इवनिंग, जय श्री राम। और दोस्तों रस्सा कृपाल खोलने लग गया, ये देखो मतलब अभी चेकिंग वैकिंग होगा माल, देखते हैं कैसे कैसे रहता है। आज ही अनलोड हो जाएगी मुझे लगता है। अभी रस्सा कृपाल खोल के मिलता है दोस्तों, पूरी गाड़ी का रस्सा कृपाल खोलना सैंपल होगा इसका। और हो गया दोस्तों रात और आपके भाई ने खोल दी सारी तिरपाल। अभी दोस्तों खाली होने का कुछ पता नहीं चल रहा है, खाली कब होगी देखते हैं, खाली कब होगी दोस्तों। और फिर आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड इवनिंग। क्योंकि दोस्तों रात में क्या दिखाऊंगा मैं आपको, खाली होने में क्या दिखेगा। और दोस्तों खर्चे का ब्लॉग डाल लेंगे, तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम, बाय बाय।